माँ दुर्गा की आराधना का आज दूसरा दिन है। ऐसे में नवरात्र व्रत खोलने के लिए रेसिपी भी तो कोई खास और अलग होनी चाहिए। शेफ ललित क्या खास व्यंजन लेकर आए हैं, सीखते हैं नवरात्र स्पेशल व्रत के व्यंजन। अब हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना मशरूम रिसोटो। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है थाइम। अगर आपके पास थाइम नहीं है तो आप लोग अजवाइन का यूज कर सकते हो, इसका फ्लेवर काफी मिलता जुलता होता है। साबूदाना, शुगर, क्रीम, सेंधा नमक और ये है व्हाइट सॉस, जिसको बेशमल सॉस भी बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसको हमने यहाँ पे स्पेशली आपके लिए तैयार किया है एरो रूट और मिल्क के साथ। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक बनाते हैं। स्टॉक बेसिकली क्या होता है? स्टॉक बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ वेजिटेबल्स, जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ये सिलैरी। इस सिलैरी मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, बट रेस्टोरेंट्स या होटल्स वाले यूज करते हैं, काफी अच्छा फ्लेवर होता है इसका। अगर ना भी मिले तो आप लोग कैरेट्स यूज कर सकते हो। ये बे लीफ यूज कर रहा हूं और ये है ब्लैक पेपर। जैसे ही इसमें फर्स्ट बॉयल आता है तो इसको सिम पे कर दो। जब तक हमारा स्टॉक बन के रेडी होते हैं तब तक हम बाकी का प्रिपरेशन करते हैं, मशरूम्स को चॉप करके रखते हैं। हमारा स्टॉक ऑलमोस्ट रेडी है, पानी गर्म आ गया है, हमने इसको सिम पे कर दिया है। नया पैन लेके इसमें अभी हमें रिसोटो शुरू करना है। तो रिसोटो के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा बटर का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग थाइम यूज करेंगे। इटालियन के बारे में बोलते हैं, जो इटालियन डिशेस होती है विदाउट अनियन गार्लिक, अनियन फिर भी चलो ठीक है कम, बट विदाउट गार्लिक तो पॉसिबल नहीं होते हैं। बट हमारा यहाँ पे भावनाओं से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो नवरात्रे हैं हमारे, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ हर्ब्स का यूज कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा उम्दा फ्लेवर आ रहा है। अब लोग अब थोड़ा सा इसमें हम यूज करेंगे साबूदाना, अदरवाइज देसी घी भी डाल सकते हो भाई आप लोग। अब इसमें हम लोग स्टॉक का यूज करेंगे। हमारा स्टॉक ऑलमोस्ट रेडी है, इसके लिए हम लोग स्ट्रेनर का यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो वेजिटेबल्स है उसमें वो ना आए। इसमें थोड़ा सा हम लोग सॉल्ट यूज करेंगे। अब है हमारी बारी मशरूम की। मशरूम्स काफी सॉफ्ट होता है, अदरवाइज अगर कोई हार्ड वेजिटेबल्स यूज कर रहे हो ना आप साबूदाना के साथ, तो उसको पहले भी डाल सकते हो स्टार्टिंग। देखो रिसोटो में भी होता है ऐसा कि हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टॉक डालना होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। पानी थोड़ा सा इसमें एब्जॉर्ब कर लिया है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें स्टॉक बढ़ा दिया है। और अब बारी आती है यहाँ पे एक चुटकी चीनी की। तो ये हमने डाल दी एक चुटकी चीनी, इससे आएगा हमारा बेहतरीन उम्दा फ्लेवर निकल के। हमारा जो साबूदाना रिसोटो है वो ऑलमोस्ट बनने वाला है, तो अभी बारी आती है इसमें बेशमल सॉस, व्हाइट सॉस, जिसको हमने स्पेशल
फास्टिंग के लिए बनाया है इसको दूध और एरो रूट के साथ, तो इससे बहुत अच्छा थिकनेस आ जाता है, ग्लेज आता है एक अच्छा सा, और थोड़ा सा इसमें नॉर्मल क्रीम भी मिलाएंगे। ये हमने डाला ब्लैक पेपर क्रश, अगर आपके पास क्रशर नहीं है तो उसको क्रश भी कर सकते हो आप लोग, और सबसे अच्छा तरीका होता है आप लोग रोलिंग पिन जो होता है ना, बेलन होता है, उससे भी क्रश करके इस तरह से एक रख सकते हो या यूज़ कर सकते हो। ये अब बारी आती है इसको सर्व करने के लिए, सर्व करने के लिए हम लोग इसको इसमें सर्व करते हैं। ये हमारा साबूदाना मशरूम रिसोट्टो रेडी है। तो ये पार्मेसन चीज हम लोग यूज कर रहे हैं इधर। तो अब बारी आती है इसकी लास्ट स्टेज गार्निशिंग। तो गार्निशिंग करते हैं हम लोग फ्रेश थाइम के लिए। तो ये रेडी है हमारा साबूदाना मशरूम रिसोट्टो, खुद भी खाइए और अपने गेस्ट को भी खिलाइए।